दोस्तों, आप सभी ने महाभारत की कथा तो जरूर सुना होगा। उसमें आप सभी ने देखा होगा कि जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, हम सभी के मन में एक ही प्रश्न आता है कि महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवाओं का क्या हुआ और वे कहां गईं, इसके बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, महाभारत और पुराणों के अध्ययन के उपरांत इस बात की जानकारी मिलती है कि वे विधवाएं कहां गईं और क्यों गईं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि गंगा नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पांडव सहित उनके सभी परिवार के सदस्य व सभी विधवाएं उपस्थित थीं। वे सभी लोग अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए थे। इन सभी को शोक में देखकर महर्षि वेदव्यास ने सभी विधवाओं से कहा कि आप सभी के पति जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, वह सभी स्वर्ग में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। यह बात सुनकर उन सभी विधवाओं और उनके पुत्रों को विश्वास नहीं हुआ और ना ही उनका शोक समाप्त हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं एक रात्रि को आप विधवा माताओं और बहनों को मैं उनके पति से अवश्य मिलवाऊंगा। आपको एक रात्रि में गंगा नदी के तट पर आना होगा, क्योंकि गंगा नदी के तट के किनारे महर्षि वेदव्यास का आश्रम था। एक दिन महर्षि वेदव्यास शुभ समय को देखकर उन सभी विधवाओं को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे और अपने तपोबल से उन सभी वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का आवाहन किया। आवाहन के उपरांत वे सभी योद्धा गंगा नदी के तट पर एक एक करके उपस्थित हो गए। अपने मृत परिजनों को देखकर पांडव और सभी विधवाएं हर्षित हो गई और खुशी से झूमने लगे। सभी परिजन अपने वीर गति प्राप्त योद्धाओं से मिले और उनको गले लगाया। इस प्रकार वे सभी योद्धा एक एक करके पुनः गंगा नदी में समाहित होने लगे। उन वीर गति को प्राप्त योद्धाओं को गंगा नदी में जाते देख पुनः विधवाएं विलाप करने लगी। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, जिन भी माता और बहनों को अपने पति के साथ स्वेच्छा से जाना हो, वे इस पवित्र गंगा नदी में अपने शरीर को त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि वेदव्यास का आदेश पाते ही सभी विधवाएं अपने शरीर को एक एक करके गंगा नदी में त्याग दिया और अपने पति के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चली गईं। दोस्तों, इस प्रकार से वे सभी महाभारत की विधवाएं अपने पति के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चली गईं। इस कथा का वर्णन महाभारत में भली भांति किया गया है। दोस्तों, हमारे देश की हर एक नारी पतिव्रता होती है। वह अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। भारत की महान स्त्रियों के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय श्री राम।